एक बार फिर हुआ सुपर ओवर, एक बार फिर जीती टीम इंडिया। भारतीय टीम न्यूजीलैंड में लगातार 3 T20 मैच जीतने के बाद वेलिंगटन में हो रहे चौथे मैच में एक बार फिर रोमांच चरम पर दिखा। एक बार फिर न्यूजीलैंड की टीम जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन आखिरी 2 ओवर में भारतीय गेंदबाज ने वापसी की और मैच टाई कर दिया। टाई होने के बाद टीम इंडिया को सुपर ओवर में जीत के लिए 14 रन की जरूरत थी, लेकिन केएल राहुल ने पहले छक्का और चौका लगाकर टीम की जीत आसान कर दी और फिर विराट ने बिना जोखिम लिए टीम इंडिया को 5वीं गेंद पर जीत दिला दी। शार्दुल ठाकुर को इस मैच में उनके हरफन मौला प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच खिताब दिया गया। टीम इंडिया का सुपर ओवर। टीम इंडिया के लिए विराट कोहली और केएल राहुल ने बैटिंग की, न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी ने ओवर फेंका। पहली गेंद पर ही केएल राहुल ने छक्का लगा डाला। दूसरी गेंद पर केएल राहुल डीप मिड विकेट पर लपके गए। चौथी गेंद पर विराट कोहली ने हल्के में मिड ऑन पर खेल कर 2 रन ले लिए। 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने चौका लगाकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। सुपर ओवर में टीम इंडिया के लिए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह ने फेंका। पहली गेंद पर सेफर्ड ने हवा में शॉट लगाया, लेकिन श्रेयस अय्यर मुश्किल कैच नहीं पकड़ सके। अगली गेंद पर सेफर्ड ने चौका लगाया। तीसरी गेंद पर ऊंचे शॉट पर केएल राहुल कैच नहीं पकड़ सके। चौथी गेंद पर एक बार फिर सेफर्ड ने ऊंचा शॉट लगाया और इस बार वॉशिंगटन सुंदर ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं की। 5वीं गेंद पर मुनरो ने एक चौका लगाया। आखिरी गेंद पर मुनरो ने 1 रन ले सके और न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 13 हो गया था। पारी में न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी रन आउट हुए। टीम इंडिया के लिए शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लिए, वहीं जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल के नाम 1-1 विकेट आया। न्यूजीलैंड के लिए कॉलिन मुनरो ने सबसे ज्यादा 64 रन की पारी खेली, वहीं टीम ने 57 रन बनाए और टीम को मैच में अंत तक बनाए रखा। टीम इंडिया की इस शानदार जीत के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।